शर्मा है और मैं कठुआ असेंबली के इंडियन यूथ कांग्रेस में रैलियन इलेक्ट हुआ था। आज मेरी पूरी टीम अपने एसएसपी सर से मिलने आए थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारे वार्ड की गलियों में कुछ नए नए लड़कों का हमें चेहरा दिखना शुरू हो चुका है, जो शक्ल से तो नशेड़ी ही लगते थे। और आपको मैं बता दूँ, हमारे मोहल्ले के जो हमारे लोग हैं, जब हम अपने घर से हम निकलते हैं तो हमें बताते थे कि हमारे गलियों में ये हो रहा है। और आपको पता है आज हमारे कठुआ में कितनी चोरियां हो रही हैं, और ये जो भी चोरियां हैं ये आपको पता है कि ये कांग्रेस चोर ये नशेड़ी ही करते हैं। आज हम एसएसपी सर के पास आए थे, उन्होंने हमें कहा है कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा सब कुछ देखेंगे। और हम उसमें कह रहे हैं, हमारे कठुआ में आज तक एक ही एसएसपी जो आए थे जिनका नाम था नीवा जैन, उन्होंने हमारे कठुआ में 2 से 3 साल की उन्होंने ड्यूटी की थी। और उस 2 से 3 साल में हमारे कठुआ में दावे के साथ कह सकता हूँ 90% जो लड़के थे वो हमारे बिल्कुल नशे से दूर हो गए थे। पर आज का आप टाइम देखें कि हमारा मोर देन 40% जो हमारा यूथ है, उनके पास तो चलो नौकरियों की बाहर की बात होगी, पर इतने परेशान हो चुके हैं वो इन नौकरियों की वजह से। वो आजकल जो है नशों के ऊपर आ रहे हैं, अपने सेहत की तरफ कोई नहीं देख रहा, जो भी आ रहा है नशे पे। या जब हम अपनी गली के बाहर भी निकले हैं तो पहले दूसरी गली वाली साइड भी जाएं तो वहाँ पे हमें लड़कों को देखना होता है, किसी की आंखें ऐसी हैं, किसी की वो है, तो हमें बड़ा दुख होता है। अपने वार्ड में हम निकलते तो हमें बहुत दुख होता है। युवाओं से क्या अपील करना? मैं युवाओं के आगे ये अपील करूँगा कि नशों से दूर जाएं। हमारा कठुआ में एक इतना बड़ा स्टेडियम का ग्राउंड बना है, वो शाम को जाएं वहाँ पे थोड़ी सैर करें। आपने वार्ड नंबर 12 में एक लड़के को देखा होगा जिसका नाम विशाल वर्मा है। वो उस बंदे ने अपने एक फेसबुक पे एक पेज बनाया जिसमें वो एक इंस्पिरेशन वीडियो डालता है। और मैं कठुआ के लड़कों को मैं बोलता हूँ कि उस लड़के के साथ जुड़े, विशाल है उस लड़के का नाम, वार्ड नंबर 12 में वो रहता है, और बहुत एक उसका फिटनेस के ऊपर उस बंदे का ध्यान है। मैं ये अपने यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि उस लड़के के साथ जुड़ें और अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखें और नशे से दूर रहें। मेरा नाम आशीष शर्मा है जी, और मैं कठुआ वार्ड नंबर 10 राजबाग का रहने वाला हूँ। आज हमारा जो मेन मकसद था एसएसपी साहब के पास आने का, वो नशे को लेकर था। हमारे कठुआ में नशा बहुत बढ़ रहा है, कठुआ में भी नहीं हमारे देश में ही लगभग आज के दौर पे नशा बहुत बढ़ रहा है। तो हम ये एसएसपी साहब के पास ये गुजारिश करने आए थे कि वो इस चीज़ को देखें, खुद पर्सनली आके देखें कि जो लोग यहाँ पे ये शरेआम पैडलिंग कर रहे हैं नशे की, इनको पकड़ें। और मेरा यूथ से यही कहना है कि सेहत पे ध्यान दें, जिम वगैरह लगाएं, वर्कआउट करें, ये नशे से दूर रहें।